भागते हुए और ये हम पहुंच गए एचएनएम रील्स के चक्कर में, लेट हो गए। ये हमारी पलटन है और ये हमारी धन्नो है जिसमें हम जाएंगे। सो गाइस हम चल पड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी नहीं बताएंगे। ये हमारी मीशा, माशा इसको प्यार से बोलते हैं, ये हमारे पापा जो गाड़ी चला रहे हैं, ये हमारी पलटन। देखो गाड़ी पूरी भरी हुई है। अंशु हट तो जा, कौन करने कुछ नीचे बैठ साइड। हेलो हेलो। सो गाइस अभी हम पहुंचे हैं शाम की और पेट्रोल अभी हमने तो खाना खा लिया, गाड़ी को भी खाने के लाते, तभी गाड़ी का खाना हो गया, पेट्रोल भर दिया है। अभी गाड़ी के टायर्स की हवा चेक कर। सो हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी 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 वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज का जो ब्लॉग है वो है ट्रैवल ब्लॉग और आज हमने जहाँ विजिट किया वो प्लेस है बड़ू साहिब। तो बड़ू साहिब के क्या स्पेशलिटीज़ है वो मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग के थ्रू। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, मेन बता देती हूँ, वहाँ गुरुद्वारा है और बाकी जो है वो मैं आपको इस ब्लॉग के थ्रू दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जब भी हम कहीं जाते हैं तो बिना मस्ती के तो वो ब्लॉग शुरू होता ही नहीं है हमारा। तो चलो मस्ती से शुरू करते हैं अपना ब्लॉग और दिखाते हैं आपको बड़ू साहिब में क्या क्या चीज़ें हैं। चलो इस वक्त हम पहुंचे हैं गिरी पुल और गिरी पुल में बारिश इतनी हो रही है कि पूछो मत। और हम अभी स्नैक टाइम चिप्स और सभी 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 खा रहे हैं। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं राजगढ़ और इस चौक से हमें राइट टर्न लेना है खेरी वाले रोड पे, क्योंकि वही रास्ता है बड़ू साहिब जाने के लिए। और देखो ये आगे कौन सी बस है, पता नहीं, डिपू कोच लिखा है थिंक। चलो इसको क्रॉस करते हैं अभी, चलो चलो चलो। ये हमने क्रॉस कर दी, डिपू ही थी, हाँ। चलो अब चलते हैं बड़ू साहिब की तरफ। सो गाइस अब हम पहुँच गए हैं खेरी है शायद यहाँ का नाम, खैरी नहीं है, खेरी, इट्स खेरी। बस यहाँ से 2-3 किलोमीटर आए थे बस, फिर हम पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारा बड़ू साहिब ये, और अभी हम जाएंगे अंदर। सो गाइज ये है मेन एंट्रेंस गुरुद्वारा में जाने के लिए और इस वाले रास्ते से हम आए और इस वाले रास्ते से यानी कि मेन एंट्रेंस से जाएंगे अंदर। सो गाइज ये है मेन गेट यहाँ का और यहाँ पर एंट्रीज करवानी पड़ती है। कितने लोग आप आए हैं वो, जितने लोगों ने विजिट किया है वो सभी की एंट्रीज यहाँ होगी। और ये सामने यूनिवर्सिटी है, प्लस ये वाइट ट्रैवलर है जिसमें हम आगे जाएंगे घूमने। और ये लोग यहाँ पे बारिश का आनंद लेते हुए भीग रहे हैं। गाइज यहाँ से हम जाएंगे ट्रैवलर में, ये हमारे साथ ट्रैवलर में। यहाँ से हम जाएंगे दरबार साहिब, चलो वहाँ के दर्शन करवाते हैं हम आपको उसके बाद। हाँ जी चलो चलो खोलो, एक एक करके सारे जाओ। अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, सफेदी समा अपनी।
अभी हम सोच रहे थे लंगर खाने जाएं, बट अभी लंगर का कैंसिल क्योंकि अभी ट्रैवलर में हमें बाबा जी कहीं और माने आगे कौन कौन सी जगह है, तो अभी हम जाएंगे। चलो अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। चलो कहाँ जा रहे हैं बाबा जी अभी हम? आगे स्कूल है। अच्छा अच्छा, आगे स्कूल कॉलेज सब कुछ है यहाँ पे। अच्छा नर्सिंग हॉस्टल। और यूनिवर्सिटी तो स्टार्टिंग में थी ना बाबा जी? वो पीछे। हाँ पीछे पहले आते हैं ना, ये सारी जमीन लड़कियां नर्सिंग की है ना। अच्छा अच्छी। गाइस बड़ू साहिब में गुरुद्वारा के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा एकेडमिक एरिया भी है। मैं बता नहीं सकती कितना बड़ा एरिया है। प्लस यहाँ पर कैम्ब्रिज बोर्ड प्लस आपके CBSE बोर्ड की स्टडीज़ की जाती है। गाइस जितना बड़ा एरिया है ना, बाय गॉड मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकती अभी ट्रैवलर में, क्योंकि बाय वॉक यहाँ आने नहीं देते हैं क्योंकि कोरोना के करके अभी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगा रखी हैं। तो अभी मैं आपको ट्रैवलर में दिखा रही हूँ, बहुत बड़ा एरिया है गाइस, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। ये नीचे मॉल है, ऊपर हॉस्टल है। मॉल भी है ये? अच्छा हाँ, सारी एसेसरीज। अभी तो बंद होगा, 4 बजे खुलेगा, 2 बजे बंद हो जाता है। ऊपर क्या बताया आपने? हॉस्टल बच्चे रहते हैं। अभी अंदर ही है अभी सारा मेस भी। ऊपर लास्ट में मेस है उनकी, एक नीचे मेस है खाने के लिए। हाँ जी। अच्छा इधर मेस है। हाँ जी हाँ जी। हमने एक्सप्लोर की द अकाल अकेडमी। आप लोगों को मेरे साथ घूमकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नहीं तो पहले आप इधर से एंटर हो गए, किधर भी घूमो अपना गाड़ी लेके जाओ, अंदर रूम भी मिलते थे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा रहने के भी नहीं है फैसिलिटी? अब रहने के भी नहीं है, अंदर रहने को नहीं देते। अच्छा जी। उधर पूछ लो, अगर देते हैं घूमने जाने देते हैं तो घूमोगे। ठीक है फ्रंट में। हाँ वहाँ इंक्वायरी पूछ लो। चलो बहुत बहुत थैंक यू। नहीं बोलते अंकल को थैंक यू। तो हम पहुँच गए इधर। इधर मीशा, इधर 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 फिर। लंगर घर यहाँ पे हम खाना खाएंगे फिर वापस जाएंगे अपने सोलन। गाइज मुझे सिखिज्म की एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि इनमें सेवा भावना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अभी कोविड के चलते लंगर घर बंद कर रखा है और अभी हम जहाँ खाना खा रहे हैं, जो लंच कर रहे हैं, ये है मेस। मतलब किसी को यहाँ से खाली पेट जाने नहीं देते। लंगर घर बंद है बट फिर भी खाना खिला रहे हैं लोगों को। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। औखी कड़ी न देखण दे अपना बिरद संभाले। सिर्फ मैं ही विकलौती हूँ खड़ा, मुझे कुछ आइए।
इवनिंग के हो चुके हैं 5:48 और अब हम जा रहे हैं यहाँ से बड़ू साहिब से अपने घर, क्योंकि मम्मी पापा हमारे साथ गुरुद्वारा नहीं थे, वो किसी काम से कहीं गए थे। तो अभी यहाँ पे हमारे को लेट हो गया, हमने बहुत मजे किए, बस बारिश ने थोड़ा मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया, मौसम खराब हो गया हमारे बारिश ने, तो उस वजह से। हाँ ये देखो क्या बना हुआ है सबका, मैं बिंदास, बारिश हो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अपन तो मस्ती करेगा मौज करेगा। ओ बर्फ पड़ रही है। सो गाइस अब पहुंचे हैं मम्मी पापा, कितना टाइम हो गया है, 6 बज चुके हैं प्रॉपर, नहीं नहीं पूरे 6 बज चुके हैं, और बारिश में भीग रही हूँ मैं, और जा रहे हैं हम बस यहाँ से। ये देखो अब पहुंचे लोग, ये धनो धुल गई धनो, अब हम बैठेंगे इसमें, और भाई अब नहीं उतरने वाली मैं कहीं भी नहीं उतरूंगी, मैं कहीं भी नहीं उतरूंगी भाई, बोल दिया मैंने। अभी तक हम राजगढ़ नहीं पहुंचे, और बारिश इतनी ज्यादा हुई है, पूछो मत यार, पूछो मत, देखो क्या हाल है। देखिए यहाँ पे एक नेचुरल सोर्स है पानी का, वो वहां से हम पानी पीने के लिए बहुत अंधेरा रखा है। सो गाइस हम पहुंच गए हैं, 8:39 हो चुका है और हम फाइनली पहुंच ही गए। कैसी लग रही है? ठीक रेस्ट करते हैं, थोड़ा खाते हैं पीते हैं, है ना। ये है हमारी माशा मिष्टी, मिष्टी यश का नाम मिष्टी, चलो फिर ठीक है, बाय बाय।